सभी का मंगल हो। विवाह योग्य जितने भी युवक हैं और उनके माता पिताओं से, बड़े बुजुर्गों से एक मेरा अनुरोध है कि हर माँ बाप ये चाहता है कि बड़े बुजुर्ग की मेरी बहू जो है बहुत सुंदर है, सुशील आए, आपको पढ़ी लिखी आए, युवक भी ऐसा ही चाहता है। तो जहाँ तक बात सुशील की, तो जितना आपने देखा परखा मतलब उसके बारे में पता करा वही होता है। बाकी तो कोई कोई भी व्यक्ति अपने घर आता है या वस्तु अपने घर आती है तो उसको बरतने से मालूम पड़ता है, व्यक्ति है तो उसके व्यवहार से मालूम पड़ता है, व्यवहार जब पड़ता है तब। इसीलिए उसके लिए तो कोई बात नहीं, वो तो एक अलग पहलू है। दूसरी चीज़ आती है आपकी सुंदरता की, भी सुंदर भी बहुत तो लोग एक घड़ी देखें। तो यहाँ पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, वैसे तो ठीक है आप कहीं भी जा रहे हैं आ रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो लोग तो देखते ही हैं, लेकिन कई बार क्या रहता है कुछ बातों में वाद विवाद का कारण बन जाता है, जिसमें कि हम ये कहते हैं आप क्यों घूर रहे हो किसी को या कुछ देख रहे हो। तो देखिए वैसे तो लोगों का कईयों का स्वभाव होता है कईयों का, लेकिन जब कुछ सुंदर होगा तो उसको लोग ज़्यादा ही देखते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने किसी पॉइंट पे बोला आपको क्योंकि कुछ झगड़े इस टाइप हुए, इसीलिए तो भावना ये कि क्या आप इस चीज़ को बार बार सोचना करना जैसा है वैसा है, ठीक है। इसको आप यही मान लीजिए कि अब भाई जो हीरो हीरोइन होते हैं, मॉडल्स होते हैं, अब उनको भी लोग देखते हैं करते हैं, क्या उसके लिए ज़्यादा मन में विचार करना, इतना नहीं पढ़े लिखे लोग इतना वहम करने की जरूरत नहीं। लेकिन तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर गौर कर लीजिए। वो कई बार वो पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वो डाइवोर्स तक चला जाता है और घर बिगड़ा बिगड़ा रहता है। आप मेरी बात पे गौर कर लीजिए, हम पढ़ी लिखी चाहते हैं लेकिन पढ़ी लिखी का अर्थ क्या लेते हैं कि नहीं जी, कई बार तो आने के बाद हम उसको रोक देते, तेरे को सर्विस नहीं करनी, या हम करने नहीं देंगे, या फिर क्या होता है वो करने भी देंगे तो ये मतलब अपने बिजनेस में भी नहीं हाथ बटाने देंगे, घर में बैठ के जो होता कर लो। और उसके अलावा सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि पढ़े लिखे बच्चे जो भी होंगे, चाहे लड़का लड़की, सब कैरियर ओरिएंटेड होते हैं। तो लड़कियाँ क्यों नहीं, बल्कि लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं लड़कों के, ज़्यादा भारत के अंदर लड़कों कंपेरेटिवली लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। तो लड़कियों के लिए आप उसको बहू बना के लिए आए, पत्नी बना के लिए आए, उसको आपने सर्विस की छूट दी, लेकिन अगर उसका क्या कहते हैं कि ट्रांसफ़र दूर हो रहा है या उसको जॉब किसी दूसरे स्टेट में मिल रही है, चाहे सरकारी जॉब हो चाहे प्राइवेट एमएनसीज कंपनी कोई भी हो, तो फिर हम फिर अपने नाक मुँह सिकोड़ के बैठ जाते हैं, माथे बल पड़ जाते हैं, नहीं नहीं हम दूर नहीं भेजेंगे, सर्विस छोड़वा देते हैं। तो भैया नौकरी तो कहीं भी कैसे भी हो सकती है, पहले से इस बात की खोल बांध कर लीजिए शादी से पहले कि देखिए हम नौकरी नहीं करने देंगे, हम अगर हम बिजनेस में तो हम अपने बिजनेस में भी नहीं हाथ बटाने देंगे, आपको घर की प्योरली घरेलू बहू बन के रहना है, पहली बात। दूसरी चीज़ है कि हम केवल बस अपने काम में हाथ बटाने देंगे, वो भी घर में बैठ कर। ये सब चीज़ें खोल बांध लड़कियों को भी करनी चाहिए, लड़की के माता पिता को भी करनी चाहिए। इसी प्रकार से सर्विस तुम्हारी पक्की है कच्ची, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रांसफर दूर हुआ तो हम तुम्हारे को रोक लेंगे या हम ज़्यादा दूरी पर नहीं करने देंगे। पहले सारी चीज़ें ये तो लड़की वालों को भी लड़कों को खोल बांध करनी चाहिए जिससे झगड़ा ज़्यादा ना बने, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डाइवोर्स तक चला जाता है। कईयों के डाइवोर्स भी इसी चीज़ के लिए जाते हैं कि लड़की कहती है जी मेरे को तो बहुत दुखी कर दिया, इन्होंने काम नहीं करने देते, पर इस तरह वाली सी बातें। तो मेरा आपसे अनुरोध है, पढ़ी लिखी, सुशील और सुंदर, इन तीनों के लिए मैंने आपको खुलासा करा है, इसके लिए मंगल कामना, ध्यान रखें।